नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरे सामने आप मेसी फर्गसन कंपनी का लेटेस्ट मॉडल ट्रैक्टर देख सकते हैं, 9563। आज से पहले आपने ट्रैक्टर नहीं देखा होगा, CRDI इंजन के साथ में ये लॉन्च हुआ है और ये ट्रैक्टर कल ही लॉन्च हुआ है। हिसार कृषि दर्शन एग्जीबिशन के अंदर ये जो ट्रैक्टर है वो लॉन्च किया गया है 4x4 में और 4x2 में। इस ट्रैक्टर के अंदर इतनी खूबियां हैं कि गिनवा ही नहीं सकते, उसके लिए हमें कंपनी के प्रतिनिधि से मिलना पड़ेगा और उनसे मिलते हैं और इस ट्रैक्टर के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भी इसके अंदर लेटेस्ट फीचर आए हैं या फिर और ट्रैक्टरों से किस किस तरह से ट्रैक्टर अलग है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। मेरा जो नाम है पीताम्बर परमार है और मेसी ट्रैक्टर कंपनी में मैं TPC की पोस्ट पे काम करता हूँ। अब ट्रैक्टर के बारे में आ जाओ, आपको मैं धीरे धीरे करके इस ट्रैक्टर के बारे में सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अब ये जो ट्रैक्टर है ये जो है कभी महाशिवरात्रि के दिन इसको लॉन्च किया कंपनी ने 9563 करके। ये 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और ये जो ट्रैक्टर है CRDI इंजन के साथ है। CRDI टेक्नोलॉजी जो है कि इसमें डाली गई है। अब CRDI टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कारों में आती थी, अब ट्रैक्टरों के अंदर भी कंपनी ने डाल दिया है, जिसकी फायदा सीधा सीधा डीजल पे होता है। भाई नॉर्मल ट्रैक्टर से कम भी 10% डीजल कम मिलेगा। जो ट्रैक्टर 100 लीटर में काम करता है ये आपका 90 लीटर में उसी काम को आसानी से कर देगा। अगर मैं इसके बात करूं तो इसमें आप देखोगे जो टायर का साइज है ये आपका जो है 16x28 का पीछे वाला टायर दिया गया है और आपका जो है आगे वाला 9x50x24 का जो है आगे वाला टायर इसमें दिया गया है 9x5x24 का। इसके बाद में अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो बोनट आप देख रहे हो ये एक डिजाइन जो है कि स्मार्ट डिजाइन है। इस डिजाइन में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि ड्राइवर वहां बैठ के अगर ट्रैक्टर को चलाता है तो उसको नजदीक का दिखाई देगा। ये टेक्नोलॉजी कारों वाली है, बाकी इसके जो है कि आपको नजदीक से दिखाई दे। और इसके बारे में अगर मैं आगे से आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँ तो जो इसका जो आगे आप देखोगे तो आगे से कंपनी PTDC में हुक मिल जाएगा, हुक के साथ ये बम्पर वेट मिल जाएगा। बम्पर में आपको 25-25 किलो के चार है तो 100 किलो वेट इस पर है जिससे ट्रैक्टर उठे ना। इसके बाद में क्वाड्रा फोग लैंप है, ये जो लाइट आप देखोगे मार्केट में पहली बार है, बाकी ट्रैक्टरों में हमारे में देखोगे तो 2 लाइट, इसमें 4 लाइटें हैं। ये लाइट क्या काम करेगी, 2 लाइट तो सीधा रास्ता दिखाएंगे और 2 लाइट आपका बाजू में 20 फीट उधर 20 फीट इधर, ताकि रात में कोई काम करते टाइम पे आपका हादसा न हो। इसके बाद में अगर मैं इसका बात करूं तो ये देखो आप इधर में देखोगे तो इसमें जो है कि 4 व्हील ड्राइव में बाकी ट्रैक्टरों में देखते हो तो ड्राइव जो नीचे से है, ये जो ड्राइव दी है इसके बाजू से दे दी जिससे जो है टूट फूट न हो, क्योंकि नीचे रहेगी तो आप टेढ़ी मेढ़ी जगह पे ट्रैक्टर ऐसी जगह पे चलता कहीं ऊंची है कहीं नीची है तो ये टूटने का जो है बहुत ज्यादा खतरा रहता, बाकी की ट्रैक्टर की यहाँ से रहती है, इसकी बाजू से दे दे ड्राइव। इसका फायदा ये होगा कि आपका कोई भी काम करते हो टूट फूट नहीं होगी। उसके बाद में इंजन में आप देखोगे तो ये इसका CRDI इंजन है। इसमें जैसे पहले जो ट्रैक्टर आता था वो नॉर्मल ट्रैक्टर आते थे, CRDI में क्या है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्ट, ये जो है कॉमन रेल के अंदर ये इसमें जो है हाई प्रेशर पंप दिया हुआ है, ये पंप जो है कि रेल के अंदर डीजल प्रेशर से डाला भरी रहेगी रेल। उसके बाद में जो इंजेक्टर है जैसे पहले नॉर्मल जो नोजले होती थी उसका 270 बार PSI जो बोलते हैं वो इसका प्रेशर रहता था, अब क्या कर दिया कि इसी का जो है कॉमन रेल से डीजल उठाएगा और जो है इंजेक्ट जो करेगा वो 1600 बार, मतलब उसका कई गुना प्रेशर बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजेक्टर दे दिए 1600 बार के प्रेशर से, ये जो है आपका तेल इंजेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो तेल है वो बर्न होगा और उसकी जो पावर है आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर CRDI में खास बात यह रहती है कि इसमें जो है सेंसर होते हैं, ज्यादातर किसान भाइयों को क्या रहता है डर कि भाई सेंसर है पता नहीं क्या दिक्कत होगी क्या होगा, ज्यादातर दिमाग में ये होती है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि इसको जो पूरा टेस्ट किया कम से कम भी कंपनी ने पिछले 2 साल से इसके ऊपर टेस्टिंग चली है, टेस्टिंग जब पूरी होगी और हमारी जो बात है भाई पूरा का पूरा सारी कसौटियों पर खरा उतरा है तब इसको जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये आप लोगों के बीच में आया है जिससे जो है कि ये ट्रैक्टर आपका अच्छे से काम कर सके। जी ये इंडिया में कारों में थी, इसमें नहीं थी ट्रैक्टरों में, अब ट्रैक्टरों में भी डाल दी। इसमें CRDI में की मोड और दे दिया है, आप दिखाओ इसको, इसमें देखोगे आप 3 मोड दे दिए ये वाले, ये जो मोड है ऊपर से देखोगे ये देखो, हाँ
तो इसमें इको मोड दे दिया, उसके बाद में नॉर्मल मोड दे दिया, उसके बाद में तीसरा पावर मोड दे दिया। जैसे इसमें क्या रहेगा कि इको मोड पर आप डालोगे तो जैसे ज्यादातर लोगों की समस्याएं क्या रहती है, बड़ा ट्रैक्टर तो ले लिया, अब इतना बड़ा ट्रैक्टर को जब वो ट्रॉली पे चलाता है तो दिक्कत कहाँ आती है, डीजल ज्यादा खाएगा, रोड पे डीजल ज्यादा खाता, तो उस टाइम पर आप ट्रॉली को आप जब खेत से निकालते हो तो उसको क्या कर लो, पावर मोड पे लगा लो, और जब पावर मोड से आपका ट्रैक्टर खेत से बाहर हो जाए, नॉर्मल रोड पे आ जाए, तब आप उसको फ्यूल सेवर पर लगा लो, तो वहां पे क्या करेगा, 42 हॉर्स पावर का डीजल जो है ये आपका कंज्यूम करेगा, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई डीजल की जो खपत है वो जो हाँ उसकी एवरेज 6-7 की थी, वहां उसको 9-10 की एवरेज जो है इस ट्रैक्टर पे मिल जाएगी। ये इसमें CLDA में खास टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में जो इसका इंजन है वो 2700 CC का है, 3 सिलेंडर का है, और 100 इंजन की जो पावर है, इसकी जो पावर है ना, देखो इंजन की पावर 4 जरिए से बढ़ाई और घटाई जा सकती है, जो टेक्नोलॉजी बोलती है, कौन कौन सी, बोर है, स्ट्रोक है, डीजल है और हवा है, इन तीनों चारों चीजों में से कोई भी अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो इंजन की जो पावर है वो बढ़ और कम हो जाती है। इसमें कहाँ पे काम किया, सबसे पहले तो जो स्ट्रोक है इसका इंजन ऐसे देखोगे छोटा है और ऐसे देखोगे लंबा है, तो 127 mm का स्ट्रोक इसके अंदर दिया गया, जो इंडस्ट्री में पहली बार है, किसी भी इंजन ट्रैक्टर इंजन में आपको 127 mm का स्ट्रोक नहीं मिलने वाला। दूसरा स्ट्रोक के ऊपर काम किया है, और दूसरा जो काम किया है कंपनी ने इस पे हवा के ऊपर टर्बो चार्जर तकनीक लगा दी, टर्बो चार्जर तकनीक से हवा बढ़ा दी, और 127 mm से दो चीजों के ऊपर काम किया, हमारा डीजल भी कम खाएगा और ज्यादा जो है काम करेगा। इसको हम बोल सकते हैं PLF, पावरफुल लॉन्ग लाइफ फ्यूल एफिशिएंसी, तीनों टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। उसके बाद में अगर मैं इसकी गियर बॉक्स की बात करूं तो गियर बॉक्स में इसमें एक गियर के 4 स्पीड दे दी, 12+4 का इसमें गियर बॉक्स है, 12 आगे की है और 4 जो है रिवर्स है, 16 गियर इसके अंदर डाल दिए, जिसमें आप कोई भी काम रिपर पे करते हो, सुपर सीडर पे करते हो, तो आपका आसानी से उस काम को स्पेशलिस्ट करेगा, ऑलराउंडर बोल सकते हैं। उसके बाद में गियर बॉक्स के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि आज के टाइम पे किसानों को सबसे बड़ा जो काम होता है वो या तो PTO का होता है या लिफ्ट का होता है, उस दो चीज के ऊपर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप टेक्नोलॉजी में देखोगे तो लिफ्ट जो है कि इसकी 2050 किलोग्राम की लिफ्ट की क्षमता है। अब 2050 किलो के साथ साथ इसमें पहली बार आप देखोगे ये मीटर आप देख रहे हो, आपको ऊंचाई भी बताएगा, गहराई भी बताएगा, ये जो मीटर दिया हुआ है इसमें आप देखोगे तो आपको कितनी ऊंचाई पे, कितनी गहराई पे, किस पोजीशन पे है वो दिखाएगा, पहली बार है। उसके बाद में लिफ्ट में खास बात क्या रहती है, मेसी की लिफ्ट को लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया लिफ्ट है, उसका उदाहरण क्या है, अगर राजस्थान में ज्यादा ट्रैक्टर बिकता है, अब राजस्थान में ज्यादा लोग लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उनकी जो जमीन है उबड़ खाबड़ है, वहां पे जो कंट्रोलिंग क्षमता है वो आपकी इस ट्रैक्टर के अंदर 40 μs में जो है कि आपको कंट्रोल कर लेगा, सेंसिंग कर लेगा, जो किसी भी ट्रैक्टर में आपको करीब करीब 2 से 2.5 सेकंड लगती है। उसमें एक और खास बात ये है कि किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आप देखोगे कि ये जो पंप है, ये पंप डबल ही पंप रहता है, एक पावर स्टेयरिंग के लिए और एक हाइड्रोलिक के लिए। इसमें जो है दो तो ये पंप है, इसमें एक पावर स्टेयरिंग का है और एक आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के लिए है, और तीसरा जो पंप है आपका हाइड्रोलिक का वो सीट के नीचे है। उसका फायदा क्या होता है, वो पिस्टन टाइप का पंप है, 540 RPM पे PTO शाफ्ट के साथ अटैच है और तेल में डूबा हुआ है, तो वो आपका कंट्रोलिंग जो पावर है वो जबरदस्त है, उसमें सिंगल स्पूल वॉल है और वो आपका 40 μs में उस चीज को कंट्रोल कर लेता है, भाई नीचे और ऊपर दोनों साइड में आप बहुत अच्छा कंट्रोलिंग इसकी आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद में ये तो लिफ्ट की बात, लिफ्ट के बाद में खास बात होती है PTO, PTO भी एक अहम हिस्सा है किसान के लिए, और इसमें जो डिजाइन जो किया गया PTO का वो इस टाइप से किया गया कि आप कोई भी काम कर लो, 4 टाइप का क्वाड्रा PTO दिया है, जिसका जो काम है उसी हिसाब से कर लो। इसमें 4 टाइप का PTO आप देख सकते हो कि इसमें आप देखोगे MS PTO है, ग्राउंड स्पीड PTO है, लाई PTO है और आपका मल्टी स्पीड PTO है, 4 टाइप का PTO इसके अंदर डाल दिया गया है, जिससे आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में आप इसमें पीछे देखोगे, पीछे जो है कि इसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल के लिए अलग से पंप दे दिया, और ये जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल, जैसे आप रिवर्सिबल प्लाव वगैरह वो उधर खड़ा उसको अगर चलाओगे या फिर आप कंप्यूटर वाली गोड़ी चलाते तो उसके लिए अलग से पंप दे दिया। ई बटन के बारे में, ई बटन वो आपका उसमें इसी मॉडल में हमारे इस वाले में है, ठीक है, ये जो आपका IPTO है, एक IPTO का ऑप्शन भी है। IPTO क्या करेगा, कोई भी आप जब काम करते हो
जब भी आप फील्ड में काम करते हो और अंगेज और डिसंगेज के लिए इस बटन को ऑन ऑफ कर दो, आपके किले दबाने के लिए दबाओगे तो रुक जाएगी, दूसरी बार दबाओगे तो चालू हो जाएगी, अंगेज किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से अंगेज और डिसंगेज हो जाएगा। तो ये इसमें आईपीटीओ का फायदा मिलने वाला है। उसके बाद में ये पिछला हिस्सा देख रहे हो, ये इसको पीडी बोलते हैं, प्लेनेटरी ड्राइव। इसमें जो है कि कोई भी आपका झटका लगता खेत में, टेडी में डेंग में ज्यादा झटका लगता तो ये झटका यहीं पे रुक जाएगा। ये देखो कि प्लेनेटरी ड्राइव दिया हुआ ये वाला। अब यहाँ पे कोई आपको मान लिया 100 किलो का झटका किसी चीज का आया और वो आपके टायर पर पड़ा, तो वो वही उसको कंट्रोल कर लेगा, जो अंदर के पार्ट पुर्जे हैं वो आपके यूं के यूं सेफ रहेंगे, टूट फूट नहीं होगी। ओवरऑल जो है देखोगे किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आपने देखी होगी, बंद ट्रैक्टर की लिफ्ट उठती हुई कभी नजर नहीं आएगी। आप इसको आप देख सकते हो कि इसको कभी भी आप बंद ट्रैक्टर खड़ा हुआ, इसके साथ औजार लगे हुए हैं तो इसकी आप लिफ्ट जो है उठा सकते हो औजार सहित, क्योंकि वो उठाएंगे इसको, पीटीओ का गियर लगाओ और पोजिशन लीवर को पीछे खिसकाओ और फिर पीटीओ को हल्का हल्का हिला दो, तो क्या होगा वो जो जर्क करेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी प्रेशर, क्योंकि पिस्टन टाइप का पंप है, तो वो आपका 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर पूरा इंप्लीमेंट सहित ऑटोमेटिकली आप उठा लोगे उसको। ये खास बात है। उसके बाद में इसमें एक चीज और खास है, इसमें देखोगे हमें साउंड के लिए, जैसे साउंड भाई किसान के लिए सारा दिन काम करे तो उसको थकान ना हो, तो उसके लिए जो आपका साइलेंसर है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये अंदर डाल के इसको ऐसा बना दिया कार जैसा, ताकि कम से कम आवाज हो और पूरा दिन कोई भी काम करे तो उसको साउंड पोल्यूशन ना हो। और आप खास करके देखोगे जो इसकी सीटिंग है, आप बीच में से जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल फ्लैट है, आप आराम से चला सकते हो। पकड़ जो है मजबूत है आपका, चाहे गियर हो, चाहे आपका पीटीओ हो, चाहे आपका लीवर हो, सारों के जो आदमी आराम से बैठ के इसको चला सकता है। इसमें देखोगे अच्छा, जो की जो खासियत है इसमें, देखो ये आपका एक स्मार्ट की दिया हुआ है, ये इसमें क्या करोगे, इसको जैसे आप जलाओगे, देखो इसको लॉक कर दिया, अब जैसे इसको दो बार जलेगा ये लॉक हो जाएगा। और एक चीज और आप इसमें देखोगे, अनलॉक करोगे तो इसको आप एक काम और करेगा, ये देखो अभी आगे आप देखोगे, इसको 5 सेकंड अगर हम दबाए रखेंगे तो 5 सेकंड के बाद में इसकी लाइट जल जाएगी, अपना आप जल गई। ये जब लाइट जल गई तो ये क्या करेगी, 30 सेकंड तक तो आपको रास्ता दिखाएगी, भाई किसी का घर है, घर से मतलब जहां ट्रैक्टर खड़ा करता उससे उसको 100 मीटर तक जाना है, तो 100 मीटर तक जाएगा तो 30 सेकंड तक तो ये रास्ता दिखाएगी, और 30 सेकंड के बाद में पूरा का पूरा ट्रैक्टर लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में फिर ये स्टार्ट नहीं होगा। ये आपके जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने फीचर्स डाला है, तो आप इस फीचर्स को जो है आनंद लेने के लिए तो ट्रैक्टर आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद में हाँ, ये 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अब इस ट्रैक्टर को आप स्टार्ट करना चाहोगे, नहीं होगा, किसी दूसरी चाबी से स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं करोगे, नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें और आगे ऐसी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।